खबर पौड़ी से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास को नए संसद भवन का नाम संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। समिति के प्रदेश संयोजक श्रीकांत ने बताया कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन के नाम पर रखने से उन्हें देशवासियों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से तेलंगाना सरकार ने विधानसभा में नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखा जाने पर प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी अपने विधानसभा पटल पर रखकर यह प्रस्ताव पारित करने का काम करे। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर समिति की मांग को पूरा किया जाए, और जब यह प्रस्ताव हमारी विधानसभा में मिलकर आएगा तो हम सब मिलकर इस प्रस्ताव को अपनी सरकार से पारित करवाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया लोकसभा भवन बन रहा है और मुझे यहाँ नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और मेरा प्रयास होगा मैं देश के राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं भी पत्र भेजूंगा कि संविधान निर्माता के नाम से इस भवन का नाम रखा जाए तो देश को गौरवान्वित करने वाला होगा, इसमें मैं सार्थक प्रयास करूंगा। आज जैसे कि पौड़ी में चंदन राम दास जी जो प्रभारी मंत्री हैं पौड़ी के, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने उत्तराखंड स्थापना दिवस जो पूरी धूमधाम से मनाया और उसी के चलते आज नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड ने एक ज्ञापन उनको सौंपा है जो दिल्ली में जो पार्लियामेंट हाउस बनने जा रहा है वो बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे होना चाहिए। और मुझे और मेरी टीम को बड़ा आश्वासन उन्होंने यहाँ से दिया है।